जिला बडगाम से 24 किलोमीटर दूर योगीपुरा में फिरोजपुर नाला तहसील मागाम में पड़ता है। इस नाले के किनारे हुकूमत की तरफ से कूड़ा कचरा इस हद तक डाल दिया गया है कि न सिर्फ नाले का पानी खराब हुआ है बल्कि आम लोगों को भी इसकी बदबू से मुश्किलात आ रहे हैं। मागा म्यूनसिपलिटी जो है इसका एक वास्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, तो सभी यहाँ पे चीज़ें तो डिस्पोज करनी है। फिर म्यूनसिपलिटी सब जो ये जो भी वेस्ट निकलता है इसको कलेक्ट करके यहाँ पे इस साइट पे डिकम्पोज करना चाहता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये जो साइट है इट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाला फिरोजपुरा, जो यहाँ से जाके तकरीबन 20 से ज़्यादा गाँव को पानी सप्लाई करता है, पीने का पानी। एंड आई एम पर्सनली अ विटनेस कि उनको पानी वहाँ पे नहीं है, टैप वाटर उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने एक कंप्लेंट्स की है, मलबुछन, फिर आता है मालमू, फिर तोंजीहरन, तंत्रे पोरा, हागर पोरा, दीज आर सो मेनी विलेज टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ दिस मागाम। वाटर को जो भी पोल्यूट करता है इट्स एन ऑफेंस अंडर एक्ट ऑफ 1974। सो अगर लोगों के लिए ऑफेंस है तो म्यूनसिपलिटी के लिए क्यों नहीं ऑफेंस है? जो डंपिंग साइड है ये महला येगीपुरा यहाँ पे इसका इलाका है, वहीं पे ये है। लेकिन सबसे बड़ा ये भी मसला हुआ कि जो हमारी माएँ बहनें हैं यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन अब उनको ये भी डर रहता है कि यहाँ पे कुत्ते हैं वो डर जाते हैं, और जो यहाँ पे कुत्ते आते हैं वो आसपास जो ज़मीन है इसमें वो खराबी करते हैं, फसलों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसकी वजह से अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया। डीसी साहिबा भी यहाँ पे आई बिफोर अ फ्यू डेज, उन्होंने देखा खुद भी, लेकिन साइड पे नहीं आई वो। अगर वो खुद देखती तो आई डोंट थिंक कि इट वाज रॉन्ग टू कीप देम बिहाइंड द बार। इसको फ्लड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की परमिशन भी नहीं है, इसको किसी का परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साइट एग्जिस्टेड है। तो ये लोग सब जमा हो गए अब हमारे साथ फिरोजपुरा बचा मूवमेंट की शक्ल में, अब हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हमने गवर्नर साहब को भी अप्रोच किया है, डिफरेंट मीडिया यहाँ पे आ गए जैसे आप आ गए यहाँ पे इस इशू को हाईलाइट करने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब आई एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड सून। हम जब यहाँ पे डीसी साहब आई थी तो उनके एक रिकॉर्डेड वीडियो में उन्होंने बोला है कि ये सील्ड है साइट, आज से ये सील्ड है, ऐसे ही बोला है उन्होंने, लेकिन हमें जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं इट्स नॉट सील्ड, अभी भी यहाँ पे गार्बेज डिकम्पोज किया जाता है। जब डीसी साहब ने ये कहा कि ये सील्ड है तब से यहाँ पर फिर से आए, तब से फिर से आ रहे हैं वो, आपने खुद भी देखा होगा अभी ट्रैक्टर यहाँ से चल रहा था। हम हुकूमत से ये जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन हम उनसे इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं इसको यहाँ से मुंतकिल किया जाए, ऐसी जगह बनाया जाए, मुंतकिल किया जाए जो बस्ती से दूर हो। प्रॉब्लम योर पना खसने ये हून आसान अच्छा वे जमीन ते सोरे अत मगर अच्छा गोब अस नुकसान वम सान माना वारि मं कह बना नुन युन बना और कहें ना या चारवे चोर खालान अच्छा बहरान योर कुन जन खसनस। नाजरीन आप भी तहसील मागाम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करके इस मसले का हल निकालने में हमारी मदद कीजिए, जिनका नंबर है 9149661193। तहसील मागाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से कश्मीर अनहर्ड के लिए मैं रफीका।